हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं सन फार्मा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 12 दिसंबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सन फार्मा में यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 1.23% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 992.85 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, एवरेज से हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है, कैंडल यहाँ पे जरूर जो है एक छोटी साइज की ऊपर के साइड में छोटी सी हमें विक भी जो है देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI हमारा 4140 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर है पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का। यहाँ पे कल ही के दिन हमने स्टॉक एनालाइज किया था, वहाँ पे हमने आपको कहा था कि यहाँ पे स्टॉक जो है आज के दिन पॉजिटिव रहेगा। तो आज के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग भी हुआ है लेकिन अभी भी हमारा आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने कहा था कि नेगेटिव ओपिनियन है तो वैसा ही अभी भी जो है नेगेटिव ओपिनियन ही हमारे इस स्टॉक में। करंटली 979 के आसपास वापस से गिरेगा और उसको भी क्रॉस करते गया तो 956 तक गिरते हुए हमें इजिली देखने मिलेगा। तो थोड़ा सा स्टॉक में आप कॉशियसली काम करें। स्टॉक ने 50 का रिजेक्शन भी जो यहाँ पे देखने मिला है तो यहाँ पे जरूर जो है एक डाउन साइड मूवमेंट जो है कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपको जरूर जो कॉशियसली काम करना है। बाकी यहाँ पे आपको मैं बता दूँ स्टॉक में ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है तो जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में जो है वो आप जरूर ग्रैब कर सकते हैं क्योंकि वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स है वही सेम लेवल से जो हमने कल के लिए दिन बताया है तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे वही चीज रिपीट नहीं करूंगा। तो आप जरूर जो हमारे कल का जो है सन फार्मा का वीडियो आप देख ले तो वहां पे आपको जो है शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल से जो इंपॉर्टेंट है उसे आप जरूर जो देख के अपनी बाइंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर जो दे दिया है, जरूर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है मार्क्ड है तो फिलहाल हमें कोई यहाँ पे मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं है। सीधा मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है जूम कर लेता हूँ ताकि हमें कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस क्लियरली देखने मिले। तो यहाँ पे 992 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 991 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1000 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्रा डे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्रा डे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 984.40 का,
उसके बाद कहता है 976 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1008 का, उसके बाद कहता है 1012 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया है, जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का मतलब मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, तो मंडे के लिए मेरा ओपिनियन जरूर एक गैप अप ओपनिंग का है। यहाँ पे गैप अप कितनी होती है वो हमें जरूर देखनी है, लेकिन यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग के बाद सेलिंग हमें जरूर देखने मिलेगी। मेरी एक्सपेक्टेशन 984 से लेके 991 के रेंज में क्लोजिंग की है, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ा सेलिंग का तो और भी जो है वो गिर सकता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें, गैप अप ओपनिंग हो या फिर ना हो, स्टॉक जो हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए जरूर देखने मिलेगा मंडे के दिन। आपको यहाँ पे क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।